जो दयाने गांव के अंदर अल्पसंख्या निधि के अंदर से 4 कोटी 15 लाख का जो दवाखाने का भूमि पूजन किया आज अपने मंत्री महोदय दादा भाऊ भुसे साहेब ने, मैं प्रभाग 2 यहाँ से मैं चुन के आया हूँ 2012 से, तो 2022 तक कंटिन्यू में नगर सेवक 10 साल से। मेरा नाम विठ्ठल भिका बर्वे, मैं कांग्रेस पार्टी से चुन के आया हूँ सेक्रेटरी साहब के उनके पक्ष से। तायरा मैडम पिछले टाइम को आसिफ साहब आमदार थे कांग्रेस के। ये महासभा के अंदर 15-16 के अंदर ये जगह का पूरा पाठ पूरा मेरे हाथ से, मैंने पूरे कागज़ पत्थर यहाँ के ये सब ठहराव वगैरह कर करके दिए थे हमने, और इसका महासभा के अंदर जब तायरा मैडम महापुर थी उनके टाइम को ये जगह का हमने ये जगह सुझाई थी क्या साहब हमारे गांव के अंदर दवाखाना नहीं है, रमजानपुरे के अंदर मार्केट नहीं है, बड़ा मार्केट चाहिए हमको, डैने के अंदर यतीम स्कूल का हमने पुरजोर दिया था, ऐसा मैंने 22.5 कोटी रुपए का इस्टीमेट बना के महासभा के अंदर रखे थे। महासभा की मंजूरी लेने के बाद हमने ये पूरा प्रोसीजर सेक्रेटरी साहब ने, अभी हमारे आसिफ साहब जब आमदार थे तो आसिफ साहब के माध्यम से कलेक्टर ऑफिस को हमने ये पूरे कागज़ पत्र पहुँचाए थे। कलेक्टर को पाठ पूरा करके आसिफ साहब ने और विठ्ठल बर्वे इनने पूरा पाठ पूरा करके 22.5 कोटि का हमने पूरा प्रोसीजर दिया था अल्पसंख्या के लिए। वहाँ से दिल्ली गवर्नमेंट के लिए भी हमने भेजा था, केंद्र और राज्य का बजट था, महानगर पालिका की सिर्फ जगह का महासभा उनको ठहराव लग रहा था। 15-16 के अंदर हमने ठहराव करके दिए, 22.5 लाख के अंदर से हमको 4.5 कोटी रुपए का अल्पसंख्या का दावा करने का हमको निधि मंजूर होके आया केंद्र से और राज्य से। उसके बाद जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे और देने के अंदर रमजानपुरे के अंदर मार्केट है, वो जो यतीम लोग रहते उनके लिए अनाथ आश्रम बोल के एक स्कूल ऐसा दिया था, लेकिन वो हुआ नहीं। दवाखाने का 4.5 कोटि का 4.25 कोटि का हमारा दवाखाना प्रभाग 2 के अंदर मंजूर हुआ, और इसके अंदर आसिफ साहब, तायरा मैडम, सेक्रेटरी साहब इनने पूरा पाठ पूरा करके, इनने जब आसिफ साहब आमदार थे, आसिफ साहब विरोध में रहके जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तब भी आसिफ साहब ने उनसे ये काम मंजूर करके लाए थे। उसके अंदर दादा भाऊ की उनकी युति थी शिवसेना बीजेपी की, दादा भाऊ ने उनने भी वहाँ आसिफ साहब को सपोर्ट किया था, क्या दादा भाऊ का एरिया आता है ये हल्के में, इसके लिए आसिफ साहब ने और दादा भाऊ ने दोनों ने मिल के ये पूरे काम को पाठ पूरा दिया, अंजाम दिया, और उसके ऊपर पूरा मार्गदर्शन हमको सेक्रेटरी साहब और तायरा मैडम महापुर इनने किए। हर आगे जो बड़े बड़े काम है, महापुर मैडम हमारी महानगर पालिका के अंदर हमारी कांग्रेस की और शिवसेना की युति है, युति के अंदर ये सब काम होते हैं, और शिवसेना और कांग्रेस तायरा मैडम सेक्रेटरी साहब ये सब लोग मिलके अच्छे ढंग से काम करा लेते हैं। उनके पक्ष से मैं नगर सेवक हूँ और हमको बोल के वो सब काम के पाठ पूरा कर लेते हैं। तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया।